राशि फल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियों को प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशि फल का भी निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा एक समान नहीं होती हैं। आज बुधवार 1 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलेगा। तो जानने के लिए देखें आज का हमारा ये राशिफल। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज मानसिक उदासी और खिन्नता रहेगी, उत्साह भंग भी होगा। व्यवसायिक मामलों में जोखिम न उठाएं। संतान पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। महिला मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। यात्रा की स्थिति सुखद तथा लाभप्रद रहेगी। कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य नरम रहेगा। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा। मन की शांति के लिए योग करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा। दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है। आपके जीवन साथी का मिजाज आज बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए आज काम काज में कई दिनों से चल रहा तनाव खत्म हो जाएगा। आज आप व्यवस्थित अंदाज और एकाग्रता से काम लेंगे तो ज्यादातर समस्याओं से समाप्त हो जाएगी। किसी उलझी हुई स्थिति में अपनों से बातचीत करने से समाधान जरूर मिलेगा। पैसों के लेन देन पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। साथ ही धन लाभ के नए मौके भी मिलेंगे। स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा। छोटी छोटी आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और परिवार के साथ यादगार पल बिताएंगे। आपका अड़ियल रवैया घर पर लोगों के दिलों को चोट पहुंचा सकता है। यहां तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे और सफलता आपकी पहुंच में होगी। आप अनचाहे मेहमानों से शाम को अपना आपका घर भरा हुआ रह सकता है। आपकी आय में वृद्धि और व्यापार में लाभ मिलेगा। कारोबार और परिवार में सामंजस्य स्थापित होगा। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वो आखिरी समय पर टल भी सकती है। मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। आप पारिवारिक जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। व्यवहार और कार्यक्रमों को लचीला रखें। किसी भी तरह के नए ऑफर के लिए तैयार रहें। पहले ठीक से विचार कर लें, कहीं अटका हुआ पैसा भी मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज समय बिताने का कोई नया तरीका दिमाग में आएगा। धन का लाभ होगा। पुराना रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। सेहत पर ध्यान दें। कोई नया काम करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर दें। प्रतिद्वंदी सक्रिय रहेंगे। कार्य क्षेत्र की सभी समस्याएं दूर होंगी। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को दुखी कर सकता है। आज आपको संभल कर चलना होगा, नहीं तो किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। घर में परिवार जनों का आपके प्रति विरोध रहेगा। कार्यों को प्रारंभ करने के बाद वो अपूर्ण रहेंगे। शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक व्यग्रता का अनुभव होगा, लेकिन मध्याह्न के बाद आप में कार्य करने का उत्साह भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेंगी। सफलता के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम भी आज आप बना सकते हैं। जो बात कोई और नहीं समझ सकेगा आप उसे समझ सकेंगे और इस कारण कई लोगों के साथ साथ अधिकारियों का भी ध्यान आप पर रहेगा। लोग आपसे किसी न किसी तरह की सलाह लेते रहेंगे। आपका दिमाग भी तेज चलेगा। सलाह देने में
संकोच न करें, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए गंभीर तौर पर प्रयास करें। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, कोई बड़ा काम भी पूरा होगा। सेहत बिगड़ सकती है, आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम आपको भविष्य में लाभ देगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए आज किसी बात को लेकर तनाव न लें, किसी बात का विरोध न करें। आज कुछ काम आपकी मर्जी से नहीं हो पाएंगे, इसके लिए आप खुद को तैयार रखें, परेशान न हो। आप किसी बात पर झुंझला भी सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी होगी और कार्यों में सफलता मिलने में संदेह है। पहले में हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। आज आपका अपने परिवार के लोगों के साथ झगड़ा होने की प्रबल संभावना है, इसलिए जरा अपनी कथनी पर काबू रखें। अगर आप किसी कारण उत्तेजित हो भी जाएं, तो बात को समझते हुए अपने गुस्से पर काबू रखें। किसी बहस में पड़ने से आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। आज चूके हुए मौकों की वजह से डरे नहीं, जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिय को कम से कम कुछ समय के लिए भूलना पड़ेगा। गुस्से की बजाय नरमाई से काम निकालने की कोशिश करें। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे, जीवन साथी के सहयोग से प्रतिकूल हालात को काबू कर लेंगे। सड़क पर बेकाबू गाड़ी न चलाएं और बेवजह खतरा मोल न ले। उबाऊ होती हुई शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ रोमांच ढूंढने की जरूरत है। विद्यार्थी अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। बड़े बदलावों से बचें, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उत्तम समय है। रिश्तों को बल मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप आय में वृद्धि होगी, किसी अन्य तरीके से भी आर्थिक लाभ होगा। मित्रों के साथ भेंट होगी, महिला मित्रों से विशेष लाभ मिलेगा। संतान और जीवन साथी से सुख मिलेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के योग हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाने की योजना अंतिम समय में निरस्त किए जाने की संभावना है। आप में से कुछ लोगों को बेहतर नौकरी मिल जाने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ होगा, वित्तीय मोर्चे पर धीरे धीरे मजबूती आने की उम्मीद है। आप खुद को ऊर्जा से सराबोर महसूस कर रहे होंगे, इस ऊर्जा का प्रयोग काम काज में करें। सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आप पूरे दिन शारीरिक और मानसिक थकान को महसूस करेंगे। परिश्रम की अपेक्षा कम सफलता मिलने से हताश भी होंगे। सत्ता के संबंध में थोड़ा चिंतित रहेंगे। प्रयोग और प्रयासों के लिए अच्छा समय है। सफलता का प्रतिफल बेहतर रहेगा। हर्ष आनंद से समय बीतेगा। सेहत के मामलों में समझौता न करें। काम की भागदौड़ में परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। यात्रा करना टालें। पाचन तंत्र संबंधी शिकायत को टालें। आपका निर्धारित व्यवहार किसी को नुकसान पहुंचाए बिना इसका ध्यान रखें। अकारण किसी चिंता के कारण मन व्यथित हो सकता है, इसलिए आप अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज नौकरी पेशा वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। महिला तथा छात्र वर्ग को सफलता के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता है। नई योजना बनेगी, नई कार्य प्रणाली में सुधार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। पत्नी को आश्वासन देकर उसके काम जरूर पूरा कीजिए। व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलेंगे तथा कारोबार फैलाने में मदद मिलेगी। नई संपत्ति खरीदने या पाने के भी योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। उद्योग में वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति होगी। संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। किसी सदस्य के देखरेख या पढ़ाई की जवाबदारी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए आज आपका समय तेजी से आगे बढ़ने का है। आपकी अप्रत्याशित उन्नति को देखकर सभी हैरान होंगे।
काफी संघर्ष के बाद आज आपको परेशानियों से राहत मिलेगी। अब धीरे धीरे आपका भाग्य साथ देगा। बढ़ते हुए आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। सायंकाल के समय किसी खास मेहमान का आगमन भी हो सकता है। जमीन जायदाद के मामले में पारिवारिक और आसपास के लोग कुछ परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। नौकरी व व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप पूरा सुधार चाहते हैं तो आपको आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आप आकर्षक जगह की यात्रा पर भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हाथ में आया हुआ अवसर बिना फैसला के कारण आप गवा सकते हैं और उसका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित फैसला नहीं ले पाएंगे। आज किसी नए काम का शुरू करना हितकारी नहीं है, लेकिन मध्याह्न के बाद आपके लिए व्यवहारिक निर्णयों में दुविधा बढ़ेगी। संभव हो तो नया कार्य मध्याह्न के पहले ही संपन्न कर लीजिए। भाई बंधुओं के साथ संबंध में प्रेम और सहकार की भावना रहेगी। वैवाहिक संबंधों में संभल कर चलने का दिन है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। यही स्थिति साझेदारी में कार्य कर रहे जातकों के साथ भी रहेगी। आपकी कुंडली व राशि के ग्रहों के आधार पर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं में कुछ भिन्नता हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए किसी पंडित या फिर ज्योतिषी से मिल सकते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।